अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद जी। दोस्तों असी इस वेले खड़े हाँ जी जिला शेखुपुरा चौधरी अशरफ साहब के फार्म से। साढ़े नाल जी तारक नवीर साहब पंजाब ट्रैक्टर वाले, ये भी नाल आए हैं। डिलैक्स मॉडल 2024 पहला ट्रैक्टर जिहड़ा लाहौरों सेल होया सी जी, चौधरी अशरफ साहब ने लिया सी। तो अज इस ट्रैक्टर की जी असी तुहानूं टैसटिंग करके विखाणी है कि ये नाल जिहड़े जैक आए ने उहदे बहुत सारे साडे दोस्तों ने भी खदशा जाहिर किया सी कि जैकां दे विच मसला आएगा। तो तुहाडे सामने अज दुध दा दुध पानी दा पानी इहदी पूरी टैसटिंग करके असी तुहानूं विखाणी है। जैक की करदे ने मेन जिहड़ा काम तो हलांदा है जी, बाकी ट्राली तो ठीक है काम इहदा चुकण वास्ते। हलां तो देखना कि अप डाउन करदा सही, कंट्रोल ऑटोमैटिक करता कि नहीं, वो तुहानूं दिखाना है। डिलैक्स मॉडल की थोड़ी जी हिस्टरी तुहानूं मैं दसा कि यह ट्रैक्टर जिहड़ा कंपनी ने इहदी कोई साल डेढ़ साल इहदी टैसटिंग की है। अरसल फार्म से ट्रैक्टर मैं देखिया सी अक्तूबर के, असी उत्थे गए सी, उत्थे रूटावेटर की वीडियो भी बनाईया सी चौधरी वाहिद साहब के फार्म से। वो ट्रैक्टर भी उत्थे खड़ा सीगा जदों टैसटिंग दे विच सीगा, उहदियां तस्वीरां भी मैं तुहानूं शेयर कर देंगा। कंपनी की इजाजत तो बगैर असी वीडियो नहीं इहदी अपलोड कर देना, असी लगाने हैं। तो बाकी जदों लॉन्च होया ट्रैक्टर 28 फरवरी नूं असी उत्थे गए सी, तो मैं सज्जाद साहब नूं सवाल किया कि सज्जाद साहब जिहड़ा इहदा अप डाउन करन वाला सिस्टम है इहदी स्पीड तां नहीं घटेगी? उन्होंने कहा जी नहीं घटेगी, लेकिन सज्जाद साहब जिहड़े उह सेल दे बंदे आ, इह टैक्नीकल सवाल सीगा जिहड़ी टैक्नीकल टीम उन्होंने दसना सी। असी अज इहदी मुकम्मल टैसटिंग करांगे तो पहले चौधरी साहब नाल गल कर लेने, दसणगे वी ट्रैक्टर इन्हां ने किन्ने दा लिआंदा और इहदा किस तरह रद्दा बणिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी चौधरी साहब, तुहानूं वैलकम करदे आ जी अपने चैनल ते, ते तुहाडे असी फार्म ते अज आए आ। तो दसो कि डिलैक्स मॉडल दा प्रोग्राम किस तरह बणिया और सब तो पहला ट्रैक्टर तुसीं लिआंदा, इहदी की वजह सी? सर प्रोग्राम इस तरह बनया है कि यूट्यूब ते असीं ये देखदे सी कि भई डिलैक्स कोई नवा मॉडल आया है। हाँ जी, तो देखने हैं भी ये अच्छा भी है या नहीं है। सही। लेकिन यूट्यूब से तो सानू बड़ा ही खूबसूरत लगता सी। हाँ जी, कि ठीक है कि यार असी यही लेना है, नीयत करके यही गया सी। हाँ जी। लेकिन असी जो मिलत दे विच वड़न लगे उन्हां को टाइम लिया सी गार्ड दे कोलों, ने कहा जी है ही नहीं, लिहाजा असी फिर अपसेट हो के ना तो असी जाके दूसरा ट्रैक्टर बुक करवाता 85 जिहड़ा सर्विस दे टायरां दे विच। सही। अच्छा तो, सर्विस टायर दा क्यों लिया तुसीं? सर्विस टायर अच्छा लगता सी कि वो देर पा चलता है, लेकिन उहदे ते भी जिहड़ा ना कि वो खचाई सही करता गया सी। पहले भी कभी चलाया तुसीं सर्विस? जी असीं साडे कोल जिन्ने भी ट्रैक्टर 3-4 ने सर्विस दे टायर वाले ने। ठीक हो गया जी। हाँ जी। इस तों अगे जी अपना फिर तुसीं ये ट्रैक्टर 85 जिहड़ा फिर किधर गया जिहड़ा तुसीं बुक कराया? वो सर असीं कैंसल करवाता। अच्छा जी। कैंसल करवा के असीं अल मिजान ट्रैक्टर वाले ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲੈਕਸ ਮਾਡਲ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ਮੰਦ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 61 ਔਰ 85 ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ 35-38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 37,60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। 37,60,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 85 ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਰ 35,10,000 ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਚਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਹ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ? 11 ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। 4 ਕਨਾਲ ਪੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਪਰ ਲਵਾਇਆ। ਬੰਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ? ਸਰ ਬੰਪਰ ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ। ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ 13 ਫਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਨੀਫ ਮਾਡਲ ਹੱਲ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਅਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਲੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਛੱਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪ ਲਵਾ ਲੈ। ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੰਡਰਾਲਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਹੱਲਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ।
दूसरे नंबर ते जिहड़े पहले 85 सी जदों असीं लीवर चुकदे सां ना हल्ला इत्थे आउंदियां सी ओह किड़-किड़ करदा सी पिछले हिस्से चों आवाज़ दिंदा सी। सही है, हुण फीएट वाला डंडे वाला हो गया काम, हुण डंडे वाला काम हो गया, हुण आवाज़ मुक गई इहदे विच, कोई ओह कड़क कड़क नहीं है, कड़क कड़क जिहड़ी ओह खतम हो गई। वेखो हल्ला उत्थे दी उत्थे टंगियां ने, उत्थे जिथे खलारतियां उत्थे कायम ने। सही। अच्छा चौधरी साहब, तुसीं इह दस्सो कि जिहड़ी ट्रैक्टरां 'च बेहतरी आ रही है ये बारे की कहना चाहोगे? सर असी इस चीज़ का क्रेडिट तो देंगे यूट्यूबरों को, तुहानू देंगे, क्योंकि ये तुहाडी वजह तो ये ट्रैक्टर च बेहतरी आ रही है, वरना ये सुते सी जो भी आ रहा सी मटीरियल लांदे सी और भेज देंदे सी, पर ATS आया है उहदा भी तुसां चैक कीता, मुआयना कीता हैगा, और भी दूसरे ट्रैक्टरां दे कीते इहदा भी कीता हैगा जी, असी तो क्रेडिट तुहानू देंगे कि ये तुहाडी वजह तो बेहतरी आ रही है। तुसीं देखदे हो वीडियो सारियां? जी मैं टोटल तुहाडियां वीडियो देखदा। नदीम साहब नूं जाणदे हो? जी जाणदे जी। नदीम साहब ने गल की सी, उन्होंने कहा जे फाल्ट है असीं ओह फाल्ट देखणा। उन्होंने जैक का कहा कि भी जैक का कोई फाल्ट है, लेकिन मैं नहीं दस सकता जी जी, तो देखना असीं दस दें। अज तुसां आण के देखिया ते उहदा फाल्ट जिहड़ा है असीं ओह मेरे नूं ते कोई नज़र नहीं वैसे आया। तारक भाई ने वीडियो बनाई है जी, अगे इत्थे चला के देखिया। ज्यादा मसला जिहड़ा आ रहा है ना जी, सब तो पहला पहली सर्विस विच जिहड़ा खत्म हुंदा आ ओह टैब टापे दी लीक आ। सही, ਪਹਿਲਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਟਾਪਾ। ਸਹੀ, ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ 11 ਘੰਟੇ ਖਾਲੀ ਚੱਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਾਪਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੰਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਸਾਰੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਪਰ ਕੱਲਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਕ ਵੀ ਲਵਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਮਲਕ ਅਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੈਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਦਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੜ-ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਦੂਸਰੇ 385 ਸਾਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਮੋੜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੱਲ ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਏ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੋੜ ਉਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਟੇਬ ਲਾਈ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਦਾ 85 ਵਾਲਾ, ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੀਵਰ ਡਾਊਨ ਕਰਿਓ ਸਰ ਜੀ, ਵਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਸਲਫ ਤੇ ਹੁਣ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਚੜਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿੰਨੇ RPM ਦੇ ਚਲਾਈਏ? 1600 ਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ 1600 ਤੇ ਕਰਨਾ, 1600 ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, 1600 ਤੇ ਕਰੋ ਰੇਸ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜੀ ਹਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ट्रैक्टर बहिंदा लीवर थोड़ा जिहा नरम करना पैंदा इहदा इह कि लीवर जिथे बन्ने जिथे सट्टी हल फुल उत्थे मोड़ ते भी ट्रैक्टर औखा नहीं हुंदा ते मोड़ ते आण के जो सानू दो दो चक्कर साइड ते लाने पैंदे ने बाद इन्हें वो लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोड़ से भी इन्हें आलू उत्थे रख के खिंचना है जिहड़ा टाइट ही मान के वेट लगे ने 100-100 किलो के उहदे नाल इह फायदा है कि ट्रैक्टर स्लिप नहीं मारदा हल जिहड़ी इहनूं प्रैस हो के नाल लगी हुंदी है ते जिहड़ा अगला टायर वड्डा है वह छोटे टायर होंगे ने 375 जो छोटा सैज है वो मोड़ से आण के ट्रैक्टर स्लिप मारदा मारदा उत्तों की वड्डा चक्कर कटदा ये रूसी वाला टायर है ये टांगा टायर टैब वड्डा टायर है वह जो खुब के आंदा ना जमीन दे विच तो टर्न जल्दी कर लैंदा वो दूसरा जो टर्न छेती करता वह आ निकल जाता है यह चीज़ा नज़र आई खिंचाई कैसी लगी खिंचाई इसकी बिल्कुल बेहतरीन है दूसरे 85 नालों इसकी ज़्यादा बेहतर है उसकी वजह है कि जो टाइट ही मान के वेट दो लगे ना उसकी वजह क्या टोटा जो पाया ये कोई फर्क अगो लगा बैन दे विच चलाण दे विच की चीज जिहड़ा विच स्पेसर स्पेसर पा के लंबा कीता ना थोड़ा हां जी हां जी उत्ते बैठे किवें महसूस ओंदे नाल मतलब दूसरे ट्रैक्टर नालों आसानी नाल बंदा खुला हो के बैठ जांदा चलाणा किस तरह सौखा है ओदे नालों हां जी चलाना सौखा ओदे नालों हां बेहतर ओदे नालों ठीक है बाकी इहदा हाइड्रोलिक दा सिस्टम किवें हाइड्रोलिक ओ जिहड़ा दूसरा लीवर है ओ मतलब बार-बार हल हेठां ओदा हुंदी है इहदे नाल इक प्रेस हो के जिवें रूसी दा जां जान डियर दा प्रेस हो के हल हुंदी इस तरह असीं पिछे हल्लां दे चाड़ के देखिया सी असल चीज देखणी सी तुसीं हाथ नहीं सी रखणा नहीं हाथ मैं जो तुसीं पहले 3 मिनट नहीं रखिया ते फिर उस तों बाद 1 मिनट रखिया सही हाथ नहीं सी रखिया ते ऑटोमेटिक जैक अप डाउन करदा पिया सी इही चीज देखणी सी इही भाई जान मैं भी अगे रोणा रोंदा रहा मैं ते इहनूं पेंजा लाया खूब इसे वजह तों सिर्फ इह चैक करन वास्ते हां जी खामियां ने कढ के जिम्मेदार नूं देणियां चाहीदे क्योंकि 35-40 लाख कीमत है रकम बहुत ज्यादा है तो निके निके जिहड़े नुक्स ने ना इह उहनां नूं कढ के देणे चाहीदे साडे वास्ते बेहतरी वास्ते जिहड़ी हुण तब्दीली आई है थोड़ी जिही ट्रैक्टरां दे विच तुसीं राजी होए हो कि नहीं बिलकुल इह वन कम फर्स्ट क्लास है जी कंपनी की पैगाम देना चाहोगे कंपनी को यह पैगाम देने भी जिन्ना इन्हें रेट बताया उन्हें इन्होंने फै मतलब बेहतरियां नहीं कटते हैं इस तो अलावा होर भी जिम्मे कई लोग ट्रैक्टर लेंदे ने और सेंटर जो दो हो जाता है वो मतलब देगी ज्यादा लाते हैं या उनका मटीरियल थोड़ा जहा घट लाते हैं वो वास्ते मटीरियल भारा कर भी ट्रैक्टर उत्तों चकी के भी ट्राले थले डिगे तो ट्रैक्टर के टोटे दो नहीं होने चाहिए ने यह मेन इंजन इंजन तो सेम ही उंजन थोड़ा चंगा हो जाए हाँ जी 6 सिलेंडर हो जाए क्योंकि इंजन के फर्क कोई नहीं पाया 6 हो 8 हो सिर्फ वेट पाया ने वेट ना स्लिप नहीं मारता तो ट्रैक्टर खिंचाई ज्यादा करता है दसो कि टुटदा कितों दिखाओ यदा जो जितो टुटदा है वह जी है कि मजबूत है इतों ही टुटदा है जी ए जगह इस पीस तो टुटदा या आगे प्लेट लगी है इतों टुटदा है ये नट ने जी 5-6 नट ने इंची इंची मतलब मोटे ने
टूटे दो नहीं होने चाहिए 40-35 लाख लेकिन सारे नहीं टूटते कई टूट जाते किस्मत की गल होंगी किसी को चंगा आ जाता किसी को माड़ा आ जाता है थले थोड़ा जो गाडर गुडर फिट किया हो वेल्ड किया हो जरा बेहतर हो जाए रेलवे लाइन का गाडर फिट कर देने क्योंकि टूटे ही ना जी चलो अल्लाह खैर करे जी बाकी दोस्तों तुसी अपनी राय जरूर दियो कमेंट करके दस्यो ते साडे अपना शेफरे दे विच मियां अशरफ साहब ने जी इन्हां ने पहला ट्रैक्टर लिया है इन्हां नूं साडी तरफ मुबारक है जी ते माशाल्लाह बड़ा प्यारा ट्रैक्टर है जी अल्लाह इन्हां नूं नसीब करे धुआं मारदा बस ये ढड़ गए बाकी तो चंगा काम इंजन धुआं मारदा क्योंकि टायरां वेट दिते गए टायर स्लिप नहीं कढ़दे असीं सिर्फ इहनूं दिखाउण वास्ते कर रहे हां ना सानूं कंपनी ने भेजिआ ते ना सिर्फ क्योंकि इक बणी सी ना भी गल बणी सी कि इन्हें अपना एक इशू हैगा वो इशू ही दिखाना कि मैनू नहीं लगता इशू ये होगा कि मैं देखिए भाई ने चलाया मैं बकायदा हालांकि चढ़िया मिट्टी पवाई उत्ते मिट्टी अपने से पवाई है तो हम मैं ना एक फेरा कढ़ांगा चलो चेक करो हाँ तो बाकी फिर देखते हैं कि सूरत हाल है जे पास हो गया तो फिर क्योंकि कंपनी ने तो यदि 1.5 साल की टैस्टिंग की होनी है ना 2 साल की टैस्टिंग की है तो उन्होंने पास करके कढ़िया तो बाकी हम जिम्मेदार ने इन्होंने तो पास करता हूँ मैं रह गया मैं वेखता की कर दे करो जी इनू पर न्यूट्रल करना पैंदा जी अच्छा मैं ना इनू आराम नाल ही चलाना तुसी 1000 RPM ते 1500 ते कर देना 1600 ते कर दित्ता ठीक है 1600 हो जा ओए अच्छा मैं देखना भी RPM ते नहीं घटांगा ते भी चेक करा देना तो टॉप लो लावांगा टॉप लो ला क्लच दबाया हुआ है RPM चेक कर रहा हूँ मैं क्लच छड़दा क्लच छड़िया जी आ क्लच दबा दिता फिर हूँ RPM चेक करो कहें कि क्लच जोड़ा आवाज़ नहीं दिता क्लच प्लेट तो 1500 की रेस है जी 1500 RPM से आप पहला गेयर लाना है तो पहला गेयर हाँ लग गया जी कोई आवाज़ नहीं ट्रैक्टर का टोरा भी बद गया तारक भाई ट्रैक्टर का RPM है 1500 मैं पहला गेयर लाना है भी देखना भी क्लच प्लेट आवाज़ दिखती है कि नहीं मैं लाना क्लच दबाया जी फुल है मैं गेयर लाया जी पहला
हाँ जी तारक भाई, एक तो आर पी एम नहीं डाउन करता, यह चीज़ मैं देखी है। हाँ जी थोड़ा जि एवं कोई 40-50 किते किते करता, अगर हाल नॉर्मल लगी हो फिर नहीं आर पी एम डाउन करता। दूसरी चीज़ मैं देखी जो क्लच प्लेट का कहें कि क्लच प्लेट जी आवाज़ नहीं देगी, वह भी गल ठीक है। इन मैं 1500 की रेस से किया तो मैं गेयर ला के देखा, पहला दूसरा तीसरा आवाज़ नहीं दिता, अड़ता नहीं है गेयर, वह भी चीज़ हो गई। बाकी जो ट्रैक्टर जी अपना माशाला टोरा तो ठीक है, एक टैसे रह गया जी डीजल की एवरेज जी है, वह किसी वेले कढ़ा वो वास्ते टाइम वाहवा चाहिए। अज की वीडियो वाहवा लंबी हो गई है। बाकी दोस्तों अज तकरीबन असं कोई 2 घंटे लाए हैं, पूरी टैसटिंग की है, ट्रैक्टर माशाला साढ़े वाले ओके है, तो बाकी पास जिम्मेदारा ने करना है, तो यह है कि जोड़ा बंदा लेगा पछताएगा नहीं। हूँ असी यह चीज़ देखनी सी, जोड़ा डोर से ना पिछे थानू बच्चे नज़र आ जाना वीडियो के। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करो, तो चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब इधर 2 घंटे हो गए वेख रहे हैं। हाँ जी तो इधर भी भाई नाल आए हैं जी, ये भी तो इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दोस्तों वीडियो चंगी लगे तो लाइक शेयर जरूर करो, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह भाई उन्होंने एक पॉइंट की गल दसी है, चलो कहते हैं मशवरा भी कंध को भी लेना चाहिए, कोई चंगी गल हो सीखनी चाहिए है, कई पता है कई नहीं पता। भाजी की दस रहे जो नाटे ना जी, हाँ जी ए फिक्स कसूर है। वो कहते बाहरों समान मंगा के पाउंदे है, वो भी तो यही पार्ट्स पाउंदे है।